सबको राम राम भाई। तो आज हम आ गए हैं क्रूज़ के लिए। ये है जो आप पीछे देख रहे हो, अल जदाफ वाटर फ्रंट है। दुबई मरीना से भी होता है क्रूज़, लेकिन वहाँ पर मैंने अवॉइड किया क्योंकि रश बहुत ज़्यादा होता है वहाँ पे। यहाँ पे आप देखोगे बहुत ही लिमिटेड जो है बोट्स हैं क्रूज़ के लिए। तो यहाँ पे मैंने जो है बुकिंग कराई है, और आपको ये एक्सपीरियंस जो क्रूज़ का है 2 घंटे का, ये मैं दिखाऊँगा। मैंने जो है इवनिंग क्रूज़ जो है ऑप्ट किया है। यहाँ पर इवनिंग और सनसेट दो क्रूज़ होते हैं, लेकिन मैंने इवनिंग क्रूज़ ऑप्ट किया है क्योंकि मेरे को थोड़ी लाइटिंग देखनी थी, तो इसीलिए मैंने एक क्रूज़ ऑप्ट किया। आपको जल्दी जो एक्सपीरियंस मैं दिखाता हूँ कि कैसा एक्सपीरियंस होता है क्रूज़ का। तो चलते हैं और आपको पीछे से थोड़ा सा जो वाटर फ्रंट है वो भी दिखाता हूँ। यहाँ पे मैं मेट्रो से आया था, 5 मिनट की वॉकिंग है अल जदाफ मेट्रो स्टेशन से यहाँ से, और बहुत इजी वॉक रही। साफ़ सुथरा है, मौसम बहुत अच्छा है, तो मज़ा आने वाला है। देखते हैं क्या आगे का एक्सपीरियंस रहता है। तो भाई ये जो देख रहे हो आप, ये है अल जदाफ वाटर फ्रंट। देख रहे हो आप, ज़्यादा भीड़ भाड़ नहीं है, कम ही बोट्स यहाँ पे खड़ी हैं। और ये इसके सामने एक होटल है, अच्छा खासा होटल है भाई। ये देखिए, ये भाई वॉक पे घूम रहा है लेके अपने शिकारी को। और ये यहाँ पे वॉकिंग के लिए थोड़ा सा बना रखा है, ये साथ साथ है, ये क्रीक के साथ साथ। तो चलेंगे अभी और आपको दिखाऊंगा मैं क्रूज़ का एक्सपीरियंस। तो भाई चल पड़े हम क्रूज़ की तरफ। और ये जो आगे जनता जा रही है, 15-20 का जो एक ग्रुप है, ये मेरी कंपनी है आज की। ये देख लो भाई, चमचमा रहे हैं सारे लाइन से भाई, पूरी तैयारी के साथ खड़े कर रखे हैं। देखते हैं कहाँ ले जाके बिठाएंगे हमें, पूरी दिवाली मना रखी है भाई ने। इनमें से किसी एक में हम बैठेंगे और फिर 10-15 मिनट में ही हमारा जो है ये 2 घंटे का क्रूज़ स्टार्ट हो जाएगा। तो डिनर भी इसी में होता है और एक दो शो होते हैं वो दिखाएंगे हमें। ठीक ठाक लग रहे हैं भाई, 3 साथी हमारे खड़े हैं। ये फाइव स्टार ही है। ये भाई हमारा सर्विंग बॉय है, और ये बंद करके रखे हुए हैं अभी। ये बैठी हुई जनता देख लो, भाइयों को लग रहा है उसके साथ स्कैम हो गया है क्योंकि 5 स्टार बोल के इसमें बिठा रहे हैं इनको। तो गाइज ये हमारे 3 भाई हमें मिले हैं। हेलो ब्रो। हेलो हाय, क्या नाम आपका? मेरा नाम मोहम्मद एहसान। मोहम्मद एहसान रजा आपका? आमिर खान। तो भाई तीनों भाई हमारे पाकिस्तान से हैं, और भाई बड़ी खुशी हुई आपसे मिलके मेरे को। ठीक है, हाँ तो आप कहाँ रहते हो पाकिस्तान में? हम लाहौर में रहते हैं। तीनों? नहीं, ये एबटाबाद। एबटाबाद जी। आप? केपी के। हम दोनों पंजाब लाहौर। अच्छा, पंजाब लाहौर। अभी हम सफारी पे गए थे, वहाँ पे भी मेरे को जो भाई मिला था इब्राहिम, हाँ इब्राहिम, वो भी लाहौर से ही था। कैसा एक्सपीरियंस था वहाँ पे? अच्छा एक्सपीरियंस था, अच्छा था। लेकिन वहाँ पे क्या है कि अभी आप गए नहीं हो क्या? नहीं, कल सुबह सुबह जाना। अच्छा सुबह जाना है, तो बुकिंग करा रखी है? नहीं, बुकिंग करानी है अभी। अच्छा करानी है, बटन से नहीं करानी। इनसे नहीं करानी, मतलब आपने क्या ऑनलाइन बुक कराया है क्या? अभी नहीं करानी, चेक करानी। एक ऐप है, अगर मैं आपको बताऊं तो। कौन सी ऐप है? कबून। कबून कबून, हाँ। अपना फ़ोन दिखाओ मेरे, मैं आपको बता देता हूँ। पर पर्सन कितना चार्ज कर रहा है वहाँ पर? ना अलग 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 वो है उसका, अलग अलग वो चार्जेज लेते हैं इसमें। ऐप स्टोर का है? ऐप स्टोर, ये रहा। इसमें एक ऐप आती है ये कबून, इस पे जाओगे ना, इसको डाउनलोड कर लो। इस पे जितने भी डील्स है ना इसकी, वो सारी मिलेंगी आपको। आपने कौन कौन से वो फैसिलिटीज की सिलेक्ट की थी? क्या चीज़? मतलब कि कौन कौन से आपको उन्होंने ऑप्शन दी थी इसमें क्या? हाँ, उसमें एक तो VIP होती है, एक होती है नॉर्मल। ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि 2 पार्टीशन बनाते हैं वो, एक में जैसे आम जनता बैठती है और एक में VIP। तो उसमें थोड़ा सा लाइन लग के खाना लेना होता है। मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, देखो मैं अभी कल ही करके आया हूँ,
तो आपको वीआईपी लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वहाँ पे वहाँ पे क्या है कि जब वीआईपी में जाओगे ना तो वीआईपी में आम जनता से ज़्यादा रश है, वहाँ पर रश ज़्यादा होगा, जो नॉर्मल पब्लिक है वहाँ पे जब कम होता है रश। एकदम से जब खाना स्टार्ट करते हैं ना वो, तो एक लंबी लाइन लग जाती है, आपको क्या करना है उस लाइन में नहीं लगना है, उसमें नहीं लगना है उसमें 15 मिनट आप वेट करोगे, लाइन ख़त्म कर देते हैं। अच्छा। हाँ, फिर आराम से ले लेना सारा खाना। तो वहाँ पे उनको सबको ये लगता रहता है कि बहुत जल्दी ख़त्म होने वाला खाना, लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है। तो ईजीली बहुत मैनेजेबल तरीके से आप आराम से कर पाओगे ये। और तीन जने अगर आप हो, और फिर वो एक ऑप्शन आपको और भी देंगे कि आपको प्राइवेट गाड़ी चाहिए, तो उसके लिए आपको लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि 100 दिरहम उसके अलग से लेंगे आपसे। ठीक है, तो आप जो है नॉर्मल गाड़ी में ही, लैंड क्रूजर ही होती है, उसमें जो आगे बैठता है उसी को मज़ा आता है डेजर्ट सफारी में। सही बताऊँ तो मैं, जो फ्रंट सीट पे होता है ना उसको मज़ा आएगा, जो साइड में होते हैं उसको तो बीच बीच में जैसे वो कट्स मारते हैं तो थोड़ा सा सैंड जो है, रेत जो उड़ता है, तो वो दिखाई देगा उनको। जो असली, जो जैसे रोलर कोस्टर पे होता है ना, जो सबसे आगे है उसी को मज़ा आएगा। हाँ, जो फ्रंट पे है उसी को। ये तो इस ऐप से आप देख लेना, अच्छा है इसका एक्सपीरियंस रेट का। आप कहाँ से? मैं दिल्ली से, इंडिया। हाँ, तो आप यहाँ पे विजिट के लिए हैं? यहाँ पे विजिट के लिए। कितनी देर के? 8 तारीख को मेरी वापसी है। हाँ, चैनल का नाम आप मेरा 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 हाँ, मैं दिखाता हूँ आपको, हम आपको करा देंगे अपने दोस्तों। मेरा बेसिकली ज़्यादा ना, 89 वाला। हाँ, मैं आपको दिखाता हूँ एक बार फ़ोन में ना अपने में, जो मैंने किया था ये है मेरा। दबास, हाँ, ब्लॉग्स हैं, दिखाऊंगा मैं वो, दिल्ली दिखाता हूँ फिर। आपका वैसे मेन फोकस जो है वीडियो का, वो स्पोर्ट्स के है कि? मेरा जो मेन फोकस है वो एक्सरसाइज का होता है। हाँ, एक्सरसाइजिंग का, और जैसे स्पोर्ट्स साथ का, अभी जैसे घूमने जाते हैं तो टूरिज्म का दिखा देता हूँ। मेनली जो हमारे जो स्टूडेंट्स हैं जो एक्सरसाइज वगैरह करते हैं, मैं उनको मोटिवेट करता हूँ थोड़ा एक्सरसाइज के लिए। तो ये तो भाई, बड़ा अच्छा लगा आप लोगों से मिल के मेरे को। ठीक है, ये 89, अच्छा, हाँ, क्वेड बाइकिंग भी थी मेरे में। आप में वो भी थी? हाँ, 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 190, दिखाना एक बार, मैं बताता हूँ मेरा कौन सा था। 149 वाला। हाँ, ये था मेरा 149 वाला था, ये था डेजर्ट फाकन का, ये था मेरा। इसमें आधे घंटे की क्वेड बाइक भी है, ये अच्छी है क्वेड बाइक, अच्छा एक्सपीरियंस है ये। अच्छा, ये और खाना है उसमें। कितने दिन का ये होता है ये? आधे घंटे का तो क्वेड बाइक है। टोटल कितना ड्यूरेशन? टोटल ड्यूरेशन ये आपको अराउंड 1:30 बजे पिक करेंगे, पीएम, और आपको ड्रॉप करेगा ये 8:30 के आसपास। अच्छा, पिकअप की कौन सी लोकेशन होगी इनकी? दुबई में रहती है? पिकअप के लिए ये व्हाट्सएप करेंगे आपको। ये वहाँ से नहीं होगा। तो भाई, बड़ा अच्छा लगा भाइयो आपसे मिलके मेरे को। तो गाइज, ये हमारे तीनों भाई थे, इनसे बातें करें मेरे को बहुत अच्छा लगा, और बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे कहीं बाहर में हुई नहीं, अपनी जगह पे बैठा हुआ हूँ। तो जल्दी आपको ये क्रूज़ का जो एक्सपीरियंस है ये भी दिखाता हूँ मैं। ये भाई, यहाँ नीचे का सिटिंग एरिया है। इसी लाइटिंग के लिए मैंने इवनिंग क्रूज चूज़ किया था। एक राउंड प्लाजा होटल है भाई, साथ में इंटरकॉन्टिनेंटल है। ये भाई यहाँ का बुफे है, देख लो, ऑलमोस्ट सेम जो कल था। We'll be right back.
ये चिकन है भाई, चिकन कबाब, मटन कबाब, मटन कबाब, चिकन टिक्का और मटन कबाब। हाँ तो भाई, जहाँ से स्टार्ट किया था वहीं पहुँच गए हम। 2-2.5 घंटे का ठीक ठाक क्रूज़ रहा है। खाना भी ठीक था, जो मुझे चाहिए था वो मुझे मिल गया। दाल चावल मुझे चाहिए थे वो मुझे मिल गए, तो ठीक है, ट्राई कर सकते हो आप। अगर यहाँ पे आते हो तो एक अच्छी रिलैक्स इवनिंग के लिए आप इसको डेफिनेटली ट्राई कर सकते हो। तो गाइज़, आज के लिए हम अपना ब्लॉग यहाँ पर ख़त्म करते हैं। जय श्री राम, हर हर महादेव।